वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे सभी शिष्यों, साधकों और सारे प्यारे दर्शकों, खुशियों की सौगात लेकर आ रहे हैं प्रथम पूज्य श्री गणेश। शुभदा के प्रतीक और विघ्नों का नाश करने वाले प्रथम पूजनीय श्री गणेश का जन्मोत्सव आ रहा है। गुरुवार 13 सितंबर 2018 भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से, यानी चतुर्थी तिथि को श्री गणेश का जन्मोत्सव है जो अनंत चतुर्दशी तक 10 दिन मनाया जाता है और किसी का नहीं मनाया जाता है। हम कोई भी शुभ कार्य आरंभ करते हैं तो कहते हैं कि हमने आज इस काम का श्री गणेश किया है। जैसे व्यापारी लोग बहियों में हिसाब किताब करने से पूर्व लिखते हैं श्री गणेशाय नमः, या हम कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करते हैं तो श्री गणेश की पूजा सबसे पहले करते हैं। हमने भी इस कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले श्री गणेश की वंदना की। ऐसा क्यों करते हैं, कभी आपने जानने की शायद कोशिश भी की हो, क्योंकि श्री गणेश शुभता के प्रतीक हैं और इनके स्मरण मात्र से ही विघ्नों का नाश और समस्याओं का अंत निर्विघ्न संपन्न हो जाता है। पृथ्वी पर सबसे पहले पूजा किस देवी देव की जाए, यह एक बड़ा विषय था। यह सोचकर देवाधिदेव महादेव ने सभी देवताओं से एक बार कहा कि जो देवता पृथ्वी का सबसे पहले चक्कर काटकर पुनः यहां लौट कर आएगा वही सर्व पूजनीय होने का अधिकारी होगा। श्री गणेश के भाई कार्तिकेय और अनेक देवता इस प्रतियोगिता में शामिल हुए। श्री गणेश ने शिव और पार्वती यानी माता और पिता की परिक्रमा की और उनके समक्ष प्रणाम कर बैठ गए। सभी देवता परिक्रमा करके लौटे, काफी समय लग गया उनको। तो सबसे पहले कार्तिकेय आए, फिर सब देवता, लेकिन शिव जी ने श्री गणेश को विजयी घोषित किया। कार्तिकेय सहित सभी देवता नाराज हुए तो शिव जी ने बताया कि इस ब्रह्मांड में हमारे जन्मदाता माता पिता से बढ़कर और कोई सर्व पूजनीय नहीं है। समस्त संसार को इस बात का ज्ञान कराने वाले श्री गणेश ही पृथ्वी पर प्रथम पूजनीय होंगे। ऐसे ज्ञान के सागर, रिद्धि और सिद्धि के दाता, विघ्नहर्ता और विघ्नकर्ता, यानी आप उन्हें नाराज कर दें तो विघ्न कर देंगे और आप उन्हें प्रसन्न करें तो आपके विघ्न को हर लेंगे। श्री गणेश इस बार खुशियों की सौगात लेकर आ रहे हैं। इस कार्यक्रम को आप जरा गौर से, मनोयोग से, शांत चित्त मन से अगर सारे कार्यक्रम देखेंगे तो आपको वो सारी जानकारियां मिलेगी जो आपके लिए जानना जरूरी है। और जीवन में रिद्धि और सिद्धि, शुभ और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो, इस मनोकामना पूर्णति की शुरुआत ही श्री गणेश के आशीर्वाद से होगी। और हम इस कार्यक्रम में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको ऐसी ऐसी जानकारियां मिलेगी जो आपके लिए जानना भी जरूरी है और अपनाना भी जरूरी है। इसी कड़ी में अगली बार मैं विशेष जानकारी लेकर आप सभी के समक्ष आऊँगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार और प्यार भरा आशीर्वाद। वह समय आ गया है जिसका हम सभी को वर्ष भर रहता है इंतजार। शुरू हो रहे हैं विघ्नहर्ता मंगलकर्ता गणपति बप्पा के वो 10 सौभाग्यशाली दिन, जिसके साथ होगा मन्नतों के देवता गणपति का गृह प्रवेश, जिससे आपके घर आएंगे रिद्धि सिद्धि, बुद्धि सौभाग्य और दूर हो जाएंगे आपके सारे विघ्न। अष्ट सिद्धिदायक गणपति सुख समृद्धि, यश, ऐश्वर्य, वैभव, बुद्धि और ज्ञान के देवता का आगमन करने के लिए हम सभी रहे तैयार उस महापर्व पर जिसे हम गणेश चतुर्थी के नाम से जानते हैं। शुरू हो रहा है गणेश महोत्सव, लोगों ने बप्पा को घर लाने की तैयारी कर ली है।
गणपति का प्यार और आशीर्वाद आप पर बना रहे और पूरे वर्ष आपके घर में सुख समृद्धि रहे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0291-243-2625, 9829-02-6625, 8955-89-6625, ईमेल info@grahokakhel.com.in, वेबसाइट www.grahokakhel.com.in। पितृ दोष, यह नाम हमने कई बार सुना है और जब भी कोई विपत्ति हमारे ऊपर आती है, घर परिवार पर आती है, तो हम बात करते हैं कि शायद हमारे कुंडली में पितृ दोष है। तो ये पितृ दोष आखिर है क्या, और क्या ऐसा आप मानते हैं कि दादाजी जब हमारे साथ थे तो अपने पोते पोतियों को बहुत ख्याल करते थे, अपने पिताजी अपने बच्चों का ख्याल करते थे, और जब उनकी मृत्यु हो गई, वो पितृ बन गए, तो वह ऊपर जाकर हमें वो दुखी करना शुरू कर देंगे? क्या ऐसा मान सकते हैं? दूसरा, क्या जीवन में पितृ दोष को समाप्त करने का कोई उपाय भी हो सकता है? जी हाँ, उपाय हो सकता है और पितृ दोष भी होते हैं। हम कई बार अपनी जिंदगी में शुभ और मांगलिक कार्य घर में करते हैं, लेकिन हम अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को याद नहीं करते हैं। हमारे घर में अकाल मृत्यु हुई है, उनका सही रूप से अंतिम संस्कार नहीं हो पाया, पितृ अशांत है और कहीं ना कहीं वो अतृप्त है, यानी उनको जल नहीं मिला है। तो आप सभी 15 दिवसीय विशेष पितृ पक्ष में, श्राद्ध पक्ष में वो सारी जानकारी जानेंगे जो आपके लिए जानना जरूरी है, जैसे पितृ दोष क्या होता है, उसका कारण और निवारण जानेंगे, कैसे कुंडली में हम जाने कि पितृ दोष है, और साथ में हम अपने जीवन में आ रहे कष्टों को पितृ पक्ष में कैसे दूर कर सकते हैं। इसके साथ हमने प्रण लिया है, संकल्प लिया है कि 15 दिवसीय विशेष पितृ दोष के अवसर पर, पितृ पक्ष के अवसर पर, श्राद्ध पक्ष के अवसर पर आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, आपको पूर्ण रूप से पितृ दोष से मुक्त करने के लिए अपने पंडितों की टीम के द्वारा आपके नाम, माता पिता और गोत्र के नाम से, आपके पितरों के नाम से आपको उस दोष से मुक्ति दिलाने के लिए विशेष व्यवस्था का आयोजन किया गया है, जिसमें आप सभी हमारे जोधपुर कार्यालय में संपर्क करके पूरी जानकारी उस साधना के बारे में भी हासिल कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में आप कैसे भाग ले सकते हैं? आप अपने घर बैठे फेसबुक और यूट्यूब के द्वारा लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से आप अपनी पूजा को देख पाएंगे, आप अपनी विशेष पितृ दोष की मुक्ति की पूरी प्रक्रिया को देख पाएंगे। मुझे 100% यकीन है कि इस बार हम पितृ दोष से मुक्ति पाकर रहेंगे और अपने पितरों को प्रसन्न करके रहेंगे। अंजलि भर पानी से पितृ दोष शांत हो सकता है, पितृ तृप्त हो सकते हैं। हम करेंगे आपके लिए यह विशेष प्रयोग, बस आप एक टेलीफोन करिए और पूरी जानकारी हासिल करिए। मुझे पूरा यकीन है कि हम इस बार पूर्ण रूप से पितृ दोष मुक्त हो पाएंगे। गुरुदेव सुरेश रिमाली जी से व्यक्तिगत मिलने के लिए संपर्क करें। मेरे प्रिय शिष्यों, साधकों और आज के हमारे सभी नवीन दर्शकों, मेरी कोशिश रोजाना ये रहती है कि आप लोगों को ज्योतिष, आध्यात्म और गोचर के आधार पर कुछ ऐसी विशेष जानकारियां दूं जो आपके लिए जानना जरूरी है, जिससे आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन आपके पास कुछ समस्याएं हैं और मेरे पास समाधान है। आपका और मेरा मिलन कैसे हो, इसके लिए मैं विशेष प्रयास हमेशा करता हूं। आपने देखा होगा, हाल ही के दिनों में मैंने कुछ लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से आप सभी के जिज्ञासाओं को लिया था, प्रश्नों को लिया था। कोशिश मेरी रोज कमेंट्स के माध्यम से भी रहती है कि आपको बेहतर ढंग से जवाब दिया जा सके। लेकिन जो लोग मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, मैं आ रहा हूं आपके शहर आपसे मिलने के लिए। अगर आप उन शहरों में रहते हैं, उसके आसपास रहते हैं और मुझसे मिलना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट की एक प्रक्रिया से गुजर के आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं। कुछ डेट्स दे रहा हूं जिसे आप नोट कर सकते हैं। 7 और 28 सितंबर मुंबई, 8 सितंबर नागपुर, 9 सितंबर पुणे महाराष्ट्र, 15 सितंबर सूरत, 16 सितंबर अहमदाबाद, 22 सितंबर काठमांडू नेपाल, 23 सितंबर को गुड़गांवा और 29 सितंबर को बड़ौदा गुजरात में आप सभी मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं। मैं करूंगा आपका स्वागत। आप सभी पर्सनली मिलते हैं तो आप और हम मिलकर गुरु और शिष्य की इस परंपरा को बहुत बड़े मुकाम तक पहुंचा देंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्यार भरा नमस्कार और आशीर्वाद।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0291-243-2625, 9829-02-6625, 8955-89-6625, ईमेल info@grahokakhel.com.in, वेबसाइट www.grahokakhel.com.in।